इस वक्त हम पटना के बोरिंग रोड में हैं। पटना में सुबह से तेज बारिश हो रही है और देखिए चंद घंटों की बारिश में क्या स्थिति है। जल जमाव की समस्या हर जगह देखने को मिल रही है। इस वक्त हम पटना के बोरिंग रोड इलाके में हैं। भारी बारिश से ये जो गली है इसमें जल जमाव आपको दिख रहा है। गाड़ियों के चक्के जो हैं वो डूब रहे हैं। घुटना भर पानी जो है वो यहाँ पर आपको नजर आएगा। हर लोग परेशान है। आम आदमी को सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो हो रही है। नगर निगम के जो दावे थे वो खोखले साबित हो रहे हैं। नगर निगम की तरफ से कहा गया था कि चाहे कितनी भी बारिश हो जाए जल जमाव की समस्या पटना में कहीं देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन देखिए समस्या है और बहुत ही खराब स्थिति जो है यहाँ पे। हम लोगों से बात करेंगे। अभी बरसात से पहले नगर निगम का दावा था कि कहीं पर जल जमाव की समस्या नहीं होगी, लेकिन आप तो देख रहे हैं आपकी बाइक के चक्के डूब रहे हैं। जितने भी वादे हैं सारे झूठे हैं और नगर निगम को इस पे काम करना चाहिए। देखिए हम लोग इतना घुटना पर पानी में होके आ रहे हैं। ये देखिए ऑफिस जाना था, 2 घंटा हम लोग जाम में फंसे हुए थे। तो इस तरह से नहीं, नगर निगम को इस पे काम करना चाहिए। आप लोग से गुजारिश है इस मीडिया को और आगे प्रोत्साहित करें। और हर साल यहाँ पे ये समस्या होती है। हाँ, हमेशा होती है। देखिए और भी लोग हैं, आम लोग जो है बहुत नाराज हैं क्योंकि लोगों को दफ्तर जाना है और दिक्कत हो रही है हर साल। ये पैसा का बर्बादी होता है भैया, सिर्फ पैसा का बर्बादी, समझे। हम लोग परेशान होते हैं। एक तो पर डे यहाँ पे जाम लगता है, पानी का समस्या इतना। देखिए पानी की समस्या है लगातार। जो आम लोग हैं वो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, साफ तौर से कह रहे हैं कि पहले से नालों की सफाई हुई होती तो ये दिक्कत नहीं होती, जल निकासी आराम से हो जाता। लेकिन देखिए पटना के बोरिंग रोड का ये हालत है। ये पॉश इलाका माना जाता है, कई VIP लोग इस इलाके में रहते हैं। तो बारिश जो है अगले 3 दिन तक होती रहेगी। अगर लगातार बारिश इसी तरह से होती रही तो ये पूरा इलाका अगर डूब भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि चंद घंटों की बारिश में ही ये हालत जो है वो देखने को मिल रही है। देखिए पटना में जो निचले इलाके हैं वहां के लोग जो हैं जल जमाव की समस्या से ज्यादा परेशान है। देखिए एक व्यक्ति है 4 व्हीलर से इसी रोड पे जा रहे हैं। बारिश काफी हो रही है, नगर निगम की पोल खुलती हुई दिख रही है। हर साल यहाँ पे प्रॉब्लम रहता है, हमेशा हम लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ। ना नगर निगम का ध्यान है ना सरकार का ध्यान है। काइंडली आप लोग इसको हाईलाइट करें ताकि जनजीवन अस्त व्यस्त ना हो और हम लोग अच्छा से आ जा पाए। नगर निगम के दावे तो खोखले और मतलब पैसों का बंदरबांट हो रहा है, काम तो होता नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। आपको दिख रहा है ना, माने जो दिख रहा है उसमें क्या कहना, दिख रहा है कि हमेशा यहाँ पे पानी लगा रहा था, अभी तो कम है, थोड़ी देर में बारिश होगा तो और ज्यादा लगेगा। देखिए जैसा मैं बता रहा हूँ कि और बारिश हुई तो यहाँ की स्थिति क्या होगी वो कह रहे हैं। सभी लोग जो है यहाँ पे परेशान हैं। बता दें पटना में जो है जगनपुरा बाईपास का जो एरिया है, चाहे बाजार समिति रोड है, चाहे पटना जंक्शन का इलाका है, चाहे बेली रोड हो, बोरिंग रोड हो, गोला रोड हो, हर जगह जो है जल जमाव की जो समस्या है वो उत्पन्न हो गई है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, ABP News पटना।